प्रतिबंधित सामान की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत लखनपुर आबकारी विभाग ने पॉलिथीन की बड़ी खेप की तस्करी के प्रयास को विफल किया है। आपको बताते चलें कि राज्य में प्रतिबंधित पॉलिथीन की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। आबकारी विभाग सिर्फ सूचना के आधार पर ही कार्रवाई कर गाड़ियों को पकड़ता है। ऐसे में कई गाड़ियां विभाग को चकमा देकर राज्य में प्रवेश कर जाती हैं। इसके अलावा राज्य के प्रवेश द्वार पर हर गाड़ी की जांच के लिए लगाए जाने वाले फुल बॉडी स्कैनर की योजना भी अधर में लटकी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रतिबंधित पॉलिथीन से भरे ट्रक की लखनपुर में प्रवेश करने की सूचना पहले से ही विभाग को थी, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर टोल देकर लखनपुर से निकल गया, जिसे आनन फानन में आबकारी विभाग ने भाग तोड़कर गोल्डन गेट के पास जाकर पकड़ा है। आपको बताते चलें कि कई बार तस्करी से भरे ट्रक विभाग को चकमा देकर लखनपुर से निकल जाते हैं, जिसके चलते तस्करों के हौसले बुलंद हैं। इस ट्रक के पकड़े जाने के बाद आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। कल कोई शाम को हमें एक इनपुट मिली फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स कि कोई स्मगल करने की कोशिश कर रहा है पॉलिथीन इनटू द स्टेट। अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं, हमारी कोशिश भी जारी है, पकड़ते रहते हैं। तो मैंने अपनी टीम के ETOs थे, इनके साथ डिस्कस किया, तो वी ट्राई टू फाइंड द लोकेशन। फॉर्चुनेटली हमारे पास ड्राइवर का फ़ोन नंबर आ गया, हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उसने हमें गुमराह किया। तो एक टीम हेडेड बाई सजाद सोफी, इट वेंट ऑन द नेशनल हाईवे अप टू सांबा उसको लोकेट करने के लिए। दूसरी टीम हेडेड बाय वरिंदर गुप्ता ETO इधर से चक्कर लगा के जब वापस आई तो फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू लोकेट द व्हीकल। व्हीकल लोकेट करने का जो स्टोरी है बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत करेज दिखाया मेरे दोनों ETOs ने। ही लिटरली रैन आफ्टर दोज ड्राइवर्स एंड थ्री ऑफ हिज कंप्लीसेस, चार लोग थे उस ट्रक में। तो जब इन्होंने रोका तो वो उतरे और भाग गए वहाँ से, तो ये पीछे भागे उनके। लेकिन डार्क था, गोल्डन गेट वाली साइड आपको पता है कि कैसी सड़क है, अंधेरा भी होता है, तो वो तो भाग गए। लेकिन ट्रक हमें पकड़ा गया, फिर भी आस्ट आप बॉयज ट्रक लेके आए, खोला तो हमने देखा कि साइड पे बड़े इंटेलिजेंटली उन्होंने रद्दी की बोरियां लगाई हुई थी। दिस इज अ मॉडस ऑपरेंडी कि हम यहाँ पे ट्रक चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये बात पूरे हिंदुस्तान में है कि लखनपुर में चेक होते हैं ट्रक। तो जो पॉइंट्स आप जनरली खोल सकते हो चेकिंग के लिए, रूटीन चेकिंग के लिए, वहाँ पे उन्होंने रद्दी लगाई हुई थी। खोल के देखा हमने, पॉलीथीन डिफरेंट वेट्स, मेरे ख्याल से कोई 9 टन के करीब है, लिफाफा सीज कर लिया है। इसमें मैं एक चीज आपके थ्रू मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि जो हमारी इनपुट है, ये एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर पार्टीज हैं कश्मीर में, जम्मू में, जो इसमें डील करती हैं, बाहर से लाती हैं क्लैंडेस्टाइनली। सर, एज पर द योर स्टेटमेंट, आपने गाड़ी को जो है गोल्डन गेट के पास जो है जी, तो क्या समझते हैं आप यहाँ से टोल प्लाजा क्रॉस करने जिस वक्त वो किया, उस वक्त आपके यहाँ पे कुछ लोग या मतलब यहाँ पे चेकिंग आपको कुछ ऐसा लगा हो, क्योंकि आपके पास इनपुट्स पहले की थी कि एक गाड़ी जो है इस नंबर की आ रही है, तो वो सर मैं बता, वो टोल प्लाजा क्रॉस, यस यस, गाड़ी का एग्जैक्ट नंबर नहीं था हमारे पास, ड्राइवर का नंबर था, उसका टाइमिंग नहीं था एग्जैक्ट। जब मैसेज मिला हमें तब तक गाड़ी अपना टोल कटा चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैसेज आया वो फ्लैश किया गया, टोल कटा के जैसे निकला उसको चेकिंग पे लगाया गया। अब जब गाड़ी चेकिंग पे लगाई जाती है, सिंस जनरली आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाया, नंबर वॉज टोल्ड कि दिल्ली का है, लेकिन नंबर दिल्ली का नहीं था, तो दैट वॉज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ माई पीपल। उन्होंने कहा जनाब नंबर ए है, मेन जो नंबर है वो उसका जो DL की जगह JK है, तो सर क्या करें। मैंने कहा लगाइए चेक पे। अब इन्होंने जैसे ही बोला वो उसको ड्राइवर को समझ आ गई, वो भागा, तो तभी हमारी टीम्स भागी, एक दूसरी तरफ भागी हाईवे की तरफ, एक दूसरी तरफ से भागी, और वो गाड़ी क्योंकि छुप के साइड पे हो गई आपको नहीं दिखती है, फिर हमारे लोग घूमे और वो गाड़ी पकड़ी गई। लखनपुर से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।